नमस्कार। समग्र शिक्षा की ओर से करनाल में लड़कियों के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में समग्र शिक्षा के चेयरमैन एवं अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव के मार्गदर्शन में दिव्यांग सहायक उपकरण वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिला परियोजना संयोजक सपना जैन ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह में 115 दिव्यांग बच्चों को 145 सहायक उपकरण उपलब्ध करवाए गए। समारोह की अध्यक्षता प्रिंसिपल महेंद्र सिंह नरवाल ने की व संचालन APC अंजू कौड़ा ने किया। सपना जैन ने सभी उपस्थित दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण बांटने के बाद बोलते हुए कहा कि दिव्यांग बच्चों की विशेष आवश्यकता होती है, जिनकी जिला स्तर पर लगे मेडिकल शिविरों में पहचान की जाती है और डॉक्टरों के परामर्श से उनकी शारीरिक ज़रूरतों के अनुसार समग्र शिक्षा के द्वारा उन्हें सहायक उपकरण हर वर्ष दिए जाते हैं। सपना जैन ने कार्यक्रम में शामिल दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों से बातचीत करते हुए कहा कि इन बच्चों को दया नहीं, उचित माहौल और परामर्श की आवश्यकता रहती है। उन्होंने कहा कि घर और स्कूल का वातावरण बाधा रहित होना चाहिए। बच्चे की बची हुई क्षमताओं की पहचान के कार्य में विशेष शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि दुनिया दिव्यांगजनों की उपलब्धियों से भरी पड़ी है। इनको कमज़ोर व असहाय मानने वाली मानसिकता इनकी प्रतिभा को पहचान नहीं पाती। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक व खेलकूद प्रतियोगिताओं में इन बच्चों ने कामयाबी के झंडे गाड़कर सामाजिक दृष्टिकोण बदला है। दिव्यांग बच्चों को उनकी शारीरिक बाधा आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, लेकिन सामाजिक बाधा के कारण ये बच्चे अपनी क्षमताओं का पूरा फायदा उठाने में पिछड़ जाते हैं। उन्होंने सहायक उपकरण वितरण समारोह में शामिल विशेष अध्यापकों व अभिभावकों का आह्वान किया कि दिव्यांग बच्चों के बेहतर भविष्य निर्माण कार्य में तालमेल स्थापित कर समग्र शिक्षा का सपना साकार करें। समारोह में 6 व्हीलचेयर, 8 ट्राईसाइकिल, 55 MSIED किट, 29 क्लिबर, 19 हेयरिंग एड, 2 CP चेयर, 7 बैशाखी, 9 ब्रेशेज, 9 रिटेलर वितरित किए गए। समारोह में अध्यापक महेंद्र कुमार खेड़ा, विशेष शिक्षक प्रमोद चहल, जगबीर सिंह, सुरेश कुमार, ज्ञानचंद, अमित पवार, निशा, मुकेश, सीमा, मंदीप, मीनाक्षी, पुरुषोत्तम, सुरजीत, रेणु, शीतल, मीनू, मोना, रुचि व भूपेंद्र कौर ने सहयोग किया। इनका जो मेडिकल कैंप में जो जो चीजें डॉक्टर ने लिखी कि आपके बच्चों के लिए कौन कौन से उपकरण हैं जिनकी सहायता से वो अपने जिंदगी को और आसान बना सकते हैं और समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ सकते हैं, तो वही जो उपकरण है आज उनका वितरण समारोह यहाँ पर किया जा रहा है। तो आपसे भी यही मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चे को पूरा सहयोग और सपोर्ट करें। बच्चों में बहुत प्रतिभा है, किसी की कमी की वजह से, हमारी या आपकी उसकी कमी की वजह से बच्चा हमारा पीछे ना रह जाए। तो ये बच्चे भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, उतने ही महत्वपूर्ण हैं समाज के लिए जितने आप और हम सब हैं। हमें मालूम है कि बच्चे के अंदर अगर एक प्रेरणा बन जाती है कि मुझे ये करना है, अगर ये उसमें हिम्मत आ जाती है कि मुझे ये करके दिखाना है, तो वो बच्चा हर मंजिल को पा लेता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, शायद एक और प्रोग्राम था उसमें भी मैंने कहे थे, आज मैं फिर से एक दो चीज दोहराना चाहती हूँ। तो आपने भी, आपको भी पता होना चाहिए कि जो इतने ये बच्चे तो उसके मुकाबले बहुत अच्छे हैं, तो ऐसी ऐसी शख्सियत जो बिल्कुल ब्लाइंड थी, हेलन केलर एक लेखिका है, बहुत इंटरनेशनल लेवल की लेखिका बनी ब्लाइंड होने के बावजूद, डम्ब और डेफ होने के बावजूद, यानी कि एक महिला के अंदर आंखें भी उसकी काम नहीं कर रही हैं, कान और मुंह भी काम नहीं कर रहा है, और उसने अपनी हिम्मत के बल पर एक इतना बड़ा लेखिका का जो पद है वो ग्रहण किया। जब हम बात करते हैं ओलंपिक्स की, दौड़ की, दौड़ने के साथ हम ये कल्पना करते हैं कि जिस जो बहुत ताकतवर होता है वही तेज दौड़ सकता है, ये सभी मानते हैं, लेकिन रुल्मा विडोल्फ, जिसकी टांगे पोलियो के ग्रसित होने के बावजूद उसने इतनी हिम्मत की, किसके बल पर? अपने घर वालों के बल पर।
घर वालों ने सपोर्ट किया, सरकार ने सपोर्ट किया, प्रशासन ने सपोर्ट किया और उसने अपनी हिम्मत के बल पर ओलंपिक में पदक जीते। आप सभी को पता है ओलंपिक कितना बड़ा और कितना कठिन एक प्रतियोगिता होती है जिसमें विश्व के सभी देश हिस्सा लेते हैं, तो वहां तक पहुंचना, तो वही हिम्मत वही प्रेरणा इन बच्चों में भी आपको और हमें मिलकर देनी है। हम भी आपके साथ हैं, आप सारा दिन घर में रहते हो तो बच्चे को हमेशा मोटिवेट करो कि वो सब कुछ कर सकते हैं। किसी भी कमी की वजह से वो ये नहीं माने कि हम भाई ये नहीं हमारे बस का नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ वो कर सकते हैं। मैंने जो दो उदाहरण आपको दिए ऐसे कितने उदाहरण भरे पड़े, तो बच्चों को उनकी जीवनी, उनकी जो कहानियां हैं, उनके उदाहरण जो है वो भी आप, आपके ये बच्चों के टीचर्स, मैं उनसे भी आग्रह करती हूँ कि इस तरीके की वो उन्हें उदाहरण देकर समझाएं, बच्चों में हौसला बढ़ाएं। आज आप सभी पेरेंट्स यहाँ पर हैं तो मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ कि मैं आपको भी उत्साहित करूँ, प्रेरित करूँ कि आप अपने बच्चों की प्रेरणा बने। तो ये जो भी उपकरण और सामग्री आपको यहाँ पर आपके बच्चों को दी जा रही है उनकी लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए, तो ये आप सब यहाँ पर आए हैं और ये सब इनसे मुझे ऐसा आश्वासन आपसे चाहिए और विश्वास भी मैं करती हूँ कि आपके बच्चे दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे, बहुत प्रेरित होकर सफलताओं के नए नए आयाम स्थापित करेंगे और ये मन में बिल्कुल आपका हो, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। तो अपना इरादा मजबूत रखें कि हमें कहाँ तक जाना है, उस ऊंचाई तक जाना है वो आपको रखना है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो वो हौसला आप और हम इनका बनाए रखेंगे, मेहनत ये करेंगे, अपना डिटर्मिनेशन ये रखेंगे और अपनी जो भी लक्ष्य ये आप रखेंगे तो आप वहां तक उसको पा लेंगे। ऐसी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।